दोस्तों, मैं राजू चौधरी और आप लोग देख रहे हैं राजू सोनी यूट्यूब चैनल पे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं आपका भाई पानी टंकी चौक पे आया हुआ। अभी हम आप लोगों को लेकर चलते हैं चिल्ड्रेंस पार्क में, जो यहाँ पे छठ पूजा हो रहा है। आप लोगों को पूरा घाट का नज़ारा दिखाते हैं और आप लोग देख सकते हैं ऊपर में पानी टंकी देख सकते हैं पूरा जो है से कितना अच्छा जो है से कि पूरा पार लाइट लगाया गया है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा कि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए हम चलते हैं पानी टंकी का चिल्ड्रेंस पार्क का आप लोगों को दृश्य दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है से कि छठ पूजा हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सब डेकोरेशन की तैयारी किया गया, सारा चीज़ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाते हैं। आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। नवयुवक साथी परिषद छठ पूजा समिति के तरफ से आप सभी शहरवासियों को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक बधाई और करता है और करता रहेगा। आप लोगों के बीच में हम आज 7 साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पानी टंकी चिल्ड्रेन पार्क में कब से छठ पूजा हो रहा है? चिल्ड्रेन पार्क में लगभग ये 7 साल से किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा और भी कहीं होता था क्या? पहले पानी टंकी चौक पर जब पोखर था, जसवाल पोखर, उसमें होता था, तब तो वहाँ घर बन गया है, बंद हो गया पोखर वो। तो तब से यहाँ मतलब शुरुआत हो चुका है। अच्छा भैया, यहाँ पे शुरुआत करने का क्या मकसद था? शुरुआत की यहाँ के जो भी मतलब हमारे घर के हो या मतलब हमारे घर के बगल के हो, सब यहाँ पे आके सुविधा मुहैया हम लोग करवाते हैं इनको। छोटे मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे है पार्क बना हुआ है, इसमें पार्क में है, तो उसी में हम लोग सभी के सहयोग से यहाँ छठ किया जाता है। सब यहाँ पे मोहल्ला वासी ही आते हैं छठ? आते हैं। अच्छा जी, और इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आगे? इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि मेयर जो भी बनेंगे अब, तो कम से कम इनको आप बड़ा करवाएं आपके माध्यम से। बड़ा हाँ, बहुत छोटा हो गया है, लोग ज़्यादा आने लगे अब। अच्छा, तो सोच रहे हैं हम लोग इसको बड़ा करवाने का प्रयास करेंगे, बात करके ऊपर। अच्छा जी, ये पार्क जो है से कि किन के अंडर में रहता है? ये पार्क नगर निगम अंडर में रहता है। अच्छा, नगर निगम का पार्क है। नगर निगम का पार्क है, उनसे मतलब कि इजाज़त लेकर इसमें छठ किया जाता है? हाँ, इजाज़त तो लेना ही पड़ेगा ना। अच्छा जी। अच्छा सर, ये सब जो लाइट उट का डेकोरेशन ये सब किया गया, इनके ये सब किन के माध्यम से किया जाता है? ये हमारे विनोद भैया है। अच्छा जी, इनके सहयोग से होता है। अच्छा, तो अपना परिचय बताइए थोड़ा। मेरा परिचय रवि कुमार, पानी टंकी चौक, घर पे, वार्ड नंबर 35। थैंक यू सर। अच्छा भैया, यहाँ पे आप हर साल लाइट लगाते हैं क्या? हाँ, हर साल लगाते हैं। अच्छा, पैसा भी लेते हैं इन लोगों से या फ्री कॉस्ट? पैसा नहीं लेते हैं, जो खर्च लगता है लेबर। अच्छा, लेबर मतलब कि जो यहाँ पे मिस्त्री ये सब काम करते हैं उन लोगों का सिर्फ पेमेंट आप लेते हैं, बाद बाकी काम आप फ्री में करते हैं। अच्छा, आगे क्या? आगे भी इससे बेहतर होगा। अच्छा जी, किस जगह से आते हैं, किस जगह हुआ भैया आपका ये लाइट का कारोबार? मुजफ्फरपुर क्लब में जी। अच्छा, अपना परिचय? विनोद कुमार। थैंक यू। अच्छा भैया, यहाँ पे आप लोग कब से छठ पूजा करने आ रहे हैं? 7 साल से करते हैं हम लोग। 7 साल से कर रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ पे छठ पूजा करके? हम लोग का उमंग है इसलिए अपना करते हैं शौक से। अच्छा जी, और भी कहीं भैया क्यों नहीं जाते जो यहीं पे आप छठ करते हैं? हमें क्या मतलब कि यहाँ मतलब कि हम लोग का ये चौक है, हम लोग यहीं पे रहते हैं इसलिए हम लोग सोचते हैं यहीं पे करने के लिए। अच्छा, मतलब कि पास में है तो सोचते हैं पास में ही छठ कर लिया जाए ना। अच्छा, और अदर आदमी से आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? और अदर आदमी से क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि जो जिनको आना है आकर भी पूजा भी छठ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा जी, जिनको मन वो आ सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा भाई कुमार नाम हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे आदमी है भैया लोग जो यहाँ पे जो है से कि सब इसी मोहल्ला के हैं, पानी टंकी चौक के ही ये लोग हैं। यहाँ पे चिल्ड्रेंस पार्क पानी टंकी चौक पे यहाँ पे छोटा सा एक पोखर बनाया गया है। आप लोगों को नज़दीक लेकर चलकर हम दिखाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए काफ़ी छोटा है ये, और जैसे कि भैया यहाँ पे बता रहे थे छोटा हो रहा है, इसके वजह से काफ़ी दिक्कत होता है यहाँ पर जो है से कि मल्लावासी को। इसको बड़ा करने का मांग कर रहे हैं इन्होंने। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे आप लोग देख सकते हैं दौरा डाला यहाँ पे आया हुआ आप लोग देख सकते हैं। इसके हिसाब से ये बहुत छोटा है। देखिए पानी टंकी चिल्ड्रेन पार्क में आप कब से छठ कर रहे हैं? 7 साल से। 7 साल से। यहाँ पे क्या सब सुविधा आपको मिलता है? सुविधा सब चीज़ मिलता है लेकिन जगह छोटा है। अच्छा जी, तो क्या कहना चाहेंगे? जगह थोड़ा बड़ा हो जाए यही चाहते हैं। जैसे आपका घर कहाँ पे हुआ? बगले में है। अच्छा, ये छठ पूजा करने का क्या मना होता है? क्या मना होता है? कुछ मना होता नहीं, बाल बच्चा के लिए करता है लोग। छठ पूजा करने का क्या फ़ायदा होता है थोड़ा बताइए? काफ़ी सारे आदमी जो है से इसके बारे में करते हैं, पूछते हैं। बहुत सारे आदमी को जानकारी नहीं है कि छठ पूजा करने से क्या फ़ायदा है। छठ पूजा करने से फ़ायदा ये कि बाल बच्चा जहाँ भी रहता है अच्छा से सुरक्षित रहता है, कोई भी मुसीबत नहीं आता है। इसलिए आदमी छठ करता है कि अपना बाल बच्चा खुशी से रहे, घर द्वार अच्छा से रहे। अच्छा, नया आदमी जो भी छठ कर रहे हैं वो ऐसे बोलते हैं कि ये बहुत कठिन व्रत है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कोई कठिन व्रत नहीं, हम लोग करते हैं, कोई कठिन व्रत नहीं। आप कितने दिन से करते हैं? नहीं, ये तो 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से कर रहे हैं जी। नए जो करना चाह रहे हैं छठ, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं, कोई भूख प्यास कुछ नहीं लगता है। अच्छा, छठ परमेश्वरी की दया से कुछ नहीं होता है, वो बेड़ा पार लगा देते हैं। हम बेड़ा पार लगा 3 दिन 4 दिन कट जाता है, कोई पता नहीं चलता। उनका दया है, कुछ नहीं पता चलता है, करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। लोग सोचता है कि करेंगे तो थोड़ा एहसास होगा, कुछ एहसास नहीं होता। हम लोग 3 दिन से करते हैं छठ, कहाँ पता चल रहा है? 10 साल से कर रहे, कहाँ पता चलता है? मतलब कि सब पार लगा देते हैं ना। हाँ, पार लगा देते हैं। एक बार और नाम बता दीजिए। रूपा देवी। अच्छा भैया, पानी टंकी चिल्ड्रेन पार्क में आप कब से छठ पूजा मना रहे हैं? ये मेरा 2 साल हुआ। 2 साल हुआ। कैसा लग रहा है यहाँ पे छठ पूजा करके? अच्छा लग रहा है, यहाँ सब चीज़ का व्यवस्था है, लाइट का है, पानी का है, जगह का है, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं, कोई चीज़ का दिक्कत। अच्छा भैया, आप लोग यहीं के लोकल हैं क्या? ना, हम लोग लोकल है ना। क्या नाम है अभी आपका? विक्की कुमार। अच्छा, आप लोग भी भैया? हाँ हाँ। कब से आ रहे छठ करने? हम लोग तो मैक्सिमम यहाँ पे 5 ईयर से आ रहे हैं, 5 साल से, पिछले 5 साल से। अच्छा जी, यहाँ का सुविधा आपको कैसा लगता है? सुविधा सही है, लेकिन सुविधा में ये है कि जो मतलब कि पर्वत जो करती है, पर्वत यहाँ पे सीढ़ी में ये चढ़ना। अच्छा, इसके लिए कुछ होता है, सब मतलब चढ़ते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब कि छठ बर्तन चढ़ने के लिए और पानी में जाने के लिए प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि ये भैया बता रहे थे ये काफ़ी छोटा भी है, इसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे एक चढ़ने के लिए सीढ़ी होना चाहिए था, जो उतरने चढ़ने के लिए यहाँ पे सीढ़ी भी होना चाहिए। प्लस इस पोखरी को जो है से बड़ा भी किया जाए, क्या बड़ा किया जाए। आगे क्या मांग करेंगे इसके बारे में आप लोग? नहीं, बाकी सब तो सही है, बस यही मेरा जो कहना था, इसको सीढ़ी बनाया जाए और पोखर को बड़ा किया जाए ना। अच्छा भैया, किस जगह से आप लोग आए हैं? हम तो कल्याणी से हैं। कल्याणी से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? पवन। अच्छा सर, आप कब से यहाँ पे छठ पूजा करते हैं? हम तो 80 से कर रहे हैं। 80 से जी। कैसा लगता है यहाँ? साहुए पोखर बगल में था ना, वहाँ करते थे। आगे वहाँ जो दैनिक भास्कर का पीछे जो पोखरी था। हाँ, अच्छा, तो वहाँ तो जमीन बेच लिया, घर बन गया। अच्छा, तब से अभी यहीं हम लोग करते आ रहे हैं। बहुत छोटा हो रहा है, देख रहे कितना परेशानी हो रहा है, दौड़ा पर दौड़ा, दाला पर दाला चढ़ा के रखा जा रहा है। अच्छा जी, इसको हम लोग का मांग था कि इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाता और सीढ़ी बना दिया जाता। एक तो पब्लिक के लिए भी पार्क है, पार्क में सारे बच्चे लोग आते हैं खेलने कूदने, और छठ आस्था का पर्व है। जी जी, ये महापर्व है, इसको करने के लिए बिहार क्या, आपको इटली, उड़ीसा, अदर देश भी ये बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी अभी देखे होइएगा पेपर में आया, विदेश में भी माना जा रहा है जी। विदेश में भी यहाँ के वासी जो है वहीं है तो वहीं कर रहे हैं, वहाँ से आने में असमर्थ है लोग, इसलिए यही आके कर रहे हैं। अच्छा जी जी। तो भैया आप पानी टंकी के रहने वाले? जी मैं यही कह रहने वाला हूँ, आगे चर्च के पास मेरा घर है। अच्छा जी, क्या नाम हुआ भैया? महेश मलिक हुआ मेरा। अच्छा भैया, पानी टंकी चिल्ड्रेंस पार्क में आप कब से छठ करने आ रहे हैं? जब से हम आ रहे हैं तब से यहाँ छठ कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ का सुविधा आपको कैसा लगता है? सुविधा अच्छा है, लेकिन ये है कि पोखर जो ये बहुत छोटा है। अच्छा जी, ये बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और विशेष तो कुछ ज़्यादा बोलेंगे नहीं। अच्छा जी, ये चीज़ थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए क्योंकि कठिनाई बहुत होती है, काफ़ी दिक्कत होती है, बहुत काफ़ी दिक्कत होती है। अच्छी जगह से आए भैया आप लोग? कल्याणी। अच्छा जी, नाम बता दीजिए थोड़ा? सूरज कुमार। थैंक यू। अच्छा बाबू, पानी टंकी चिल्ड्रेंस पार्क में जो छठ हो रहा है कैसा लगता है? सही लगता है। यहीं के निवासी हो क्या? यहीं के है। अच्छा जी, पानी टंकी चौक पे ही घर है? यहीं घर है। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। हाँ तो गाइस, अभी आप लोग देखें पानी टंकी चिल्ड्रेंस पार्क में हम आप लोगों को छठ पूजा का घाट दिखाई। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे थे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तो आज के लिए इतना ही। जय छठी मैया, जय हिंद।